चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है कि पुलिस हिरासत से बहुत बड़ा गैंगस्टर फरार हो गया। और बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं, तीन बार और भी फरार हो चुका है। गैंगस्टर दीपक टीनू फरार हो गया। पेशी को ले जाते वक्त टीनू फरार हुआ है। पुलिस को चकमा देकर गैंगस्टर फरार हुआ। सिद्धू मूसावाला की हत्या के मामले को लेकर इससे पूछताछ हो रही थी। अब लोगों में इस बात को लेकर रोष है। सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाएंगे। लोग कह रहे हैं हर जिले में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वो कह रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही के चलते ये हुआ, ये पहले भी कई बार फरार हो चुका है, तो पुलिस ने क्यों नहीं एहतियात बरता इसकी सुरक्षा को लेकर। जब पहले भी चकमा दे चुका है तो इस बार क्यों चूक हुई। इतने महत्वपूर्ण मामले में यह आरोपी है सिद्धू मूसेवाला, सिंगर की हत्या के मामले को लेकर, और इतने खूंखार गैंग से जुड़ा हुआ है, फिर भी सुरक्षा को लेकर कैसे चूक हो सकती है। अब सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों का कहना है कि इस मामले को लेकर लोग उनका साथ दें, सड़कों पर निकलें, कैंडल मार्च निकालें, ताकि उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। लापरवाही पुलिस प्रशासन की तरफ से हुई है, इसको लेकर निशाना साध रहे सिद्धू मूसेवाला के परिजन। कैंडल मार्च निकालने की बात कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस कैंडल मार्च में ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े, ताकि प्रशासन के ऊपर दबाव बने। तो बता दें कि बड़ी खबर है मूसेवाला हत्याकांड को लेकर। गैंगस्टर दीपक टीनू एक बार फिर से फरार हो गया। सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसकों में काफी गुस्सा है। सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाएंगे, अब उनके चाहने वाले कह रहे हैं। शरद कौर ने भी अपील की है, हर जिले में निकालेंगे कैंडल मार्च पंजाब के। मेरे उम्मीदों पे हूं, मेरा सहारा था तुसी हूं, तुसी बनोगे, असी एक नंबर व्हाट्सएप नंबर जारी करांगे, असी बक बक जिले च बक बक बड़े बड़े शहरों के कैंडल मार्च करांगे। ये साडी गल नहीं सुनते, ये सिद्धू नूं दवाना चाहुंदे लोग, विकरी जिवें संदीप नंगलंबीए नूं दवाया, जिवें दीप सिद्धू नूं दवाया, ये छोटे गुरू भी रोलना चाहुंदे ने। पर मां दी जिंद ला दूं मैं, मेरे बच्चे नूं रोलन नहीं दिंदी, ना मैं किसे होर बच्चे दी जिंद नूं रोल देवां, रोलन दे मन नाल। ते इन्ना मन दुखी है ना वी असीं इहो जिहे समाज च रहि रहे हां जिथे किसी की पक्षी नहीं हैगी। सानू पता है साडा घर उजड़ा है, कल किसी का होर उजड़ा, कल किसी का होर उजड़ जू, ना सरकार का मतलब है, ना पुलिस का मतलब है। मैं तो अच्छी पुलिस को भी कहूंगी मैं बहुत दुखी हुई हुई हाँ, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसी ने नहीं पूछा हाल तक, चार महीने हो गए मैंने बहुत कहना प्रशासन नाल भी, सरकार तो साडी निकम्मी सरकार है। जेलों के बैठा दी सहूलत दे रहे हैं, क्यों भाई क्यों कम करेंगे साडे जवाक सारी। हर जिले में कैंडल मार्च निकालने की बात सिद्धू मूसेवाला का परिजन कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से लापरवाही की गई। सिद्धू मूसेवाला के आरोपी कैसे फरार हो गया, पुलिस ने क्यों नहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो चुकी। और इसका रिकॉर्ड रहा कि कई बार पुलिस की हिरासत से यह फरार हो चुका है और यह चौथी बार पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ है। इसको लेकर अब सिद्धू मूसेवाला के परिजन कह रहे हैं कि सरकार की भी ये नाकामी है, पंजाब सरकार को भी निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर पंजाब की सरकार गंभीर नहीं है मूसेवाला की हत्याकांड को लेकर।